नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल MS एजुकेशन पर। मित्रों, इस वीडियो में हम राजनीति विज्ञान के अनुमानित कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। इसकी रिसर्च हमने पेपर को देखते हुए, पेपर के लेवल को देखते हुए, स्टूडेंट और विभिन्न कोचिंग सेंटर और टीचर के सभी से रिसर्च करके हमने ये अनुमानित कट ऑफ निकाल लिए। मित्रों, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं तथा नए नए नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। इसमें हम कैटेगरी वाइज इसकी अनुमान कट ऑफ बताएंगे। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सबकी अनुमानित कट ऑफ बताएंगे जो पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग। मित्रों, पिछले साल मतलब लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था 2015 में, फर्स्ट लास्ट पेपर हुआ था लेक्चर का, उसकी और इसकी तुलना करें तो बहुत रात दिन का अंतर है कि 2015 में पॉलिटिकल का पेपर बहुत ही ईजी लेवल का था और 2020 में पेपर बहुत ही हार्ड लेवल का है। तो पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग हमने अनुमानित कट ऑफ मार्क्स तैयार किए हैं। इस बार का पेपर पिछली बार की तुलना में बहुत ही टफ पेपर है, तो इसलिए इसके अनुमानित कट ऑफ पिछले साल के 30-35 के आसपास लगभग जनरल की थी, उससे उसकी तुलना में इसकी मेरिट बहुत ही कम रहने वाली है। तो अपन कैटेगरी वाइज इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी की मेरिट लगभग आपको 288 लगभग और 292 के आसपास रहने वाली है। जनरल कैटेगरी की 288 से 292 के आसपास। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस की लगभग 280 से 284 के आसपास मेरिट रहेगी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी के अनुमानित कट ऑफ लगभग 276 से 282 के आसपास रहेगी ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ मार्क्स, क्योंकि पिछले लेक्चर की एग्ज़ाम की तुलना में इसका पेपर बहुत ही हार्ड लेवल का था, तो इसकी अनुमान कट ऑफ इतनी के आसपास रहने की संभावना है। अगली बात करें एससी कैटेगरी की, तो इसकी अनुमानित कट ऑफ एससी की लगभग 242 से लेकर 246 तक रहने का अनुमान है। पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग ये कट ऑफ मार्क्स तैयार किए गए हैं। मित्रों, आपको कितने नंबर आ रहे हैं तो इसको कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें ताकि हमें पता चले पेपर का लेवल किस प्रकार का था, आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं अवश्य बताएं हमारे कमेंट बॉक्स में। उसके बाद अगर अपन बात करें एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी कितने मार्क्स कट ऑफ रह सकती है, इसकी लगभग 234 से लेकर 238 तक कट ऑफ मार्क्स रहने की संभावना है एसटी कैटेगरी की। तो ये अपने कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स बताए हैं, पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग ये तैयार किए गए हैं, क्योंकि पिछले लेक्चर की तुलना में, एग्जाम की तुलना में ये पेपर थोड़ा टफ था, इसके कट ऑफ मार्क्स भी कम रहने की संभावना है। मित्रों, अगर हमारा ये वीडियो है और कट ऑफ हमारा के बारे में ये रिसर्च आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करना ना भूलें अपने मित्रों के साथ, क्योंकि इसमें इस चैनल में हम राजस्थान गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी वैकेंसी होगी, उसकी एजुकेशन रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगी, इसको लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।